नमस्कार, सिटी हल्का न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन। और लगातार जिस प्रकार से सर्दियां बढ़ रही है, ऐसे में छोटे बच्चों को, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कतें आ रही थी। और इसी को लेकर लगातार जो छोटे बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, लगातार ये बातें कर रहे थे आखिर कब जो है अवकाश होंगे, कब छुट्टियां होंगी। और इसी को लेकर आज पानीपत से जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप दहिया जी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे भाई, जिस प्रकार से लगातार सर्दियां बढ़ रही हैं और बच्चों को लेकर विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से किस तरह की जो अभी तक की जो जानकारी है वो है सर? देखिए, आज ही हमें विभाग की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक उनका आयोजन होगा। और वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो 10वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं, वो रेगुलरली उन बच्चों के लिए स्कूल में आएंगे और उनको पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे। जी, तो इसमें जी, सर सरकारी और प्राइवेट यानी सर जो सभी स्कूलों सभी के। स्कूलों के लिए ये नियम है, सभी जी स्कूल ये इस नियम का पालन करेंगे। जी 1 से 15 तक, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सभी के लिए ये जो आदेश है इनकी अनुपालना करना होगा। तो 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं सर, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगी जी परीक्षाएं सर पे जी ऐसा? जी जी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि पढ़ाई के अभाव में बच्चे जो है उनका प्रदर्शन कम ना रह जाए, तो उसके लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के ये क्लास का अच्छे रिजल्ट और अच्छी उनकी जो है वो तैयारी हो। तैयारी के साथ कोई भी चीज़ यदि की जाए तो उसके रिजल्ट्स भी, उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इम्पोर्टेंट क्लास हैं ये, महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, तो इनका अपना अलग महत्व होता है। तो इसलिए सरकार ने भी ये इनकी पढ़ाई तरफ ध्यान देते हुए स्कूल खोलने के लिए मतलब आदेश जारी किए हैं। जी सर, इसके अलावा यदि ये 15 दिन का जो अवकाश है, इसके साथ साथ कोई स्कूल की ओर से अवहेलना की जाती है नियमों की, स्कूल खोला जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई भी बनती है सर? देखिए, कुछ पर्पज़ है, अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं कई बार। जो कोहरा है, जो धुंध है, फॉग है, इसकी वजह से बहुत सारे मतलब हैपनिंग्स इस टाइप की हो जाती हैं एक्सीडेंटल, तो वो ना हो। और सर्दी भी है तो बच्चों की सेहत पे भी इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठंड से बचने के लिए ये सर्द शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप दहिया जी को आपने सुना, यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो है वो शीतकालीन जो अवकाश है वो घोषित कर दिए गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो है वो लगेंगी, क्योंकि परीक्षाएं जो हैं वो सर पे है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है, क्योंकि लगातार जो जिस प्रकार से सर्दियां बढ़ रही है, ऐसे को ध्यान में रखते हुए, छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी से 15 जनवरी के जो शीतकालीन अवकाश हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। आज जो लेटर है वो विभाग के पास पहुंचा है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ आप शेयर जरूर करें, ताकि तमाम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सर्दी बढ़ रही है और सर्दियों में जिस प्रकार से छोटे बच्चों का जो बचाव है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्दी का सबसे ज्यादा जो असर है वो छोटे बच्चों पर कहीं ना कहीं सर देखने को मिलता है। डेफिनेटली बच्चे होते हैं और सर्दी होती है तो जो है अंदर रूम टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है बाहर की अपेक्षा, और फॉग वगैरह जैसे भी मैंने आपको बताया था, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मतलब एहतियात के तौर पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन अवकाश का अपना ये एक अलग महत्व है। तो तमाम दर्शकों से अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। अब 15 जनवरी के बाद यानी 16 जनवरी को जो बच्चे हैं वो दोबारा से लौटेंगे। ऐसे में सर, यदि सर्दियां बढ़ती हैं तो फिर विभाग की ओर से या सरकार की ओर से आगे भी एक अवकाश बनता है? जी, देखते हैं वो आगे जैसे आदेश होंगे उसकी अनुपालना मतलब हमारी तरफ से जरूर होगा। जी, तो 15 जनवरी तक जो अवकाश है यानी शीतकालीन जो अवकाश है वो घोषित कर दिए गए हैं। तमाम लोगों से प्लीज़ इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।